बरेली के एक इलाके में मौजूद हैं हम, और यहाँ की रहने वाली ये रेखा जी हैं, और इन्होंने बरेली मिरर को कॉल किया। इनको काफ़ी वक्त से एक लड़का है, इनके आसपास ही रहता है, बहुत छेड़ता है, कभी ये जब दूध लेने के लिए जाती हैं तब परेशान करता है, शादी करने के लिए बोलता है और ये कहता है कि तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी बहन से शादी करेंगे। फिलहाल इन्होंने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी बुला लिया है, कुछ देर में पुलिस भी आ जाएंगे। क्या पूरा मामला है, कब से छेड़ता है? 1-1.5 साल हो गई सर इसे परेशान करते हुए। कभी कहेगा अपनी बहन की कर या तू कर मुझसे शादी, और मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूँ, शादीशुदा हूँ मैं, कैसे छोड़ दूँ उसे। अच्छा, बहुत परेशान करता है, कहीं रास्ते में साइकिल ठोकता है, कहीं कुछ करता है मुझे, और कहते शादी करो या तुम करो या अपनी बहन की कराओ। कितना टाइम हो गया? 1-1.5 साल हो गए। इससे पहले कभी पुलिस को सूचना नहीं दी? नहीं। क्यों नहीं दी पुलिस को, क्यों नहीं बताया? हमने कि कोई ऐसे पागल होंगे इसलिए छेड़ते हैं, ऐसे कुत्ते तो भोंकते रहते हैं, हाथी चला जाता, पर इसने तो कभी हद कर दी, एक्सीडेंट करता है कहीं। अब जो बताओ साइकिल में 200-200 रुपए लगते हैं, जो ठोकता है साइकिल फ्री के समर जाती है। अच्छा, ऐसे करता है ये परेशान। शौहर है आपके? हाँ। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हमारे संग में। कभी उनसे नहीं कहा? नहीं, मैंने कि ऐसी कोई बात हो, ज्यादा बड़ी हो तो कहीं भी जाए, जे ऐसे छेड़ता है तो इसमें क्या बड़ी बात हो। अच्छा, तो यहाँ ये खुद का मकान है? रेंट नहीं, हमारी मम्मी का है, माँ का। अच्छा अच्छा, आप मैके में? हाँ, मैके में रह रहे हैं, क्योंकि वो काम यहीं करते हैं इसलिए हमें यहीं रहना पड़ रहा। और खाली छेड़छाड़ी करता है, क्या बोलता है, कुछ कहता भी है? साइकिल छेड़ता है और कहता है, झापड़ भी मारने की कोशिश करता है, झापड़ लग नहीं पाता, छोटी बहन को तो झापड़ भी मारे है इसने। अच्छा, रास्ते में चलते चलते कहीं शादी कर ये कहता है। ये क्या नाम है इसका? नाम मुझे नहीं पता, मम्मी कहती है गुड्डू है, मुझे नाम का नहीं पता। हाँ। 1-1.5 साल से छेड़ रहा है आपको। हाँ। अच्छा, तो फिर आज क्या किया आपने? हमको कॉल किया, उसके बाद पुलिस को भी बुलाया? हाँ, बुलाया हमने पुलिस को, अभी फोन करा हमने कि आ जाओ सर, तो हमारा ये काम करके जाओ। क्या चाहती हैं अब? वो उसका दंड सही करके भर जाए, मतलब इतने दिन से हमें परेशान करा, उसे भी पता चले कि दार आटे का भाव क्या होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो ये कहता है शादी कर लो, तुम नहीं करोगे तो अपनी बहन से करा। मतलब हमारी बहन कवारी है तो वो ये सोचता है इसकी शादी नहीं करे तो इसकी बहन करे, वो ज्यादा, मतलब हम तो मोटे हो गए, वो इससे पतली है, तो वो शादी करना चाहता है इससे। अच्छा। हाँ, बार बार परेशान। हाँ, बार बार परेशान करता है सर। तो माँ के साथ रहती हैं अपने? हाँ, पापा हैं आप? हाँ, पापा हैं। पापा बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा एक ही है अभी। तो ये रेखा जी हैं और एक पास में रहने वाला लड़का, उसके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं, और इनका कहना है कि वो बहुत परेशान करता है 1-1.5 साल से, बहन को भी झापड़ मारता है। हाँ, रास्ते चलते चाचा नेहरू पारा गाई, वो काम करने जाती है, हम भी जाते हैं, वो रास्ते में छेड़ता है हमें भी और बहन को भी। अच्छा, सिस्टर का है? वो काम करती है। काम पे? हाँ, पूरे दिन। हस्बैंड क्या करते हैं? वो होटल में खाना पीना बनाते हैं। बहुत परेशान है? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान है, तभी हमने इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। चलिए, बंदा नहीं उठाते इसके लिए। तो इन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया है और पुलिस कुछ देर में आने वाली है, लेकिन जिस तरह से जो 1-1.5 साल से परेशान हो गई है और बार बार वो उनको धमकी देता है, इनकी साइकिल रोक लेता है, ये दूध देने जाती है तब इनको परेशान करता है, फप्तियाँ कसता है, बड़ा परेशान करता है। जी, सबूत बुलाऊ से भी एक और? हाँ। एक और है सबूत के लिए, लक्ष्मी। लक्ष्मी वो कह देगी पुलिस के सामने, डरेगी नहीं वो पुलिस। हाँ, वो मीडिया में नहीं आएगी, पर वो कह देगी पुलिस के सामने, जरूर कह देगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, और आप कैमरे में देख लेना, वहाँ कैमरे लगे, वहाँ भी अगर सच नहीं हो तो आप कैमरे में देख सकते हैं। बताती हैं ये कि जहाँ पर इनको छेड़ा गया था वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, और पुलिस आएगी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीसीटीवी भी देखेगी, उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटकारे भी, हाँ, यहाँ बजाता है, जब हम मुझे देखता है तब भाग जाता है उधर को, पटकारे मोड़ पर बजाएगा, बच्चा सोता है तो बच्चा परेशान नहीं होगा? अब ये बच्चा सो रहा है तो बच्चा उठ नहीं जाएगा, ऐसे करता है, परेशान हो गई है। हाँ, मतलब तभी हमने करा ये कदम। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार योगी की सरकार है, और इस सरकार में अगर इस तरह के लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगे। किसका फोन था? पुलिस वालों का था, वो आ रहे हैं, जमता मंदिर पे आ गए हैं, वो आ रहे हैं। कितनी देर हुई आपको कॉल करें? 10 मिनट भी नहीं हुए अभी। 10 मिनट नहीं हुए? 10 मिनट अभी इनको कॉल करे नहीं हुए थे 112 नंबर पे, और उसके बाद ही इनके पास 2 से 3 बार कॉल आ गया, और वो इनका प्रॉपर एड्रेस पूछ रहे हैं, इनका मकान कहाँ पर है वो भी पूछ रहे हैं। तो बता दें कि योगी सरकार में पुलिस भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और ऐसे शोधों पर लगाम कसने के लिए ही योगी सरकार की पुलिस एक्टिव भी बहुत है। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।